तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, डंकी वर्सेस सालार या सालार वर्सेस डंकी, शाहरुख खान वर्सेस प्रभास या राजकुमार हिरानी वर्सेस प्रशांत नील, भाई साहब ये वॉर, ये जंग सोशल मीडिया पर हाई ट्रेंडिंग में लगातार चलती जा रही है। इस बीच सालार के मेकर्स ने एक सॉलिड बॉम्ब फोड़ दिया है। क्या फोड़ दिया है भाई साहब? क्योंकि देखो, दो ट्रेलर इनके आ रहे हैं जिसमें से एक ट्रेलर की इन्होंने डेट फिक्स कर दी है, और जब एक की फिक्स हो गई तो हम सेकंड की तो अजम्पशन कर ही सकते हैं कि वो कब आने वाला है। मूवी रिलीज होनी है 22 दिसंबर को, तो यस 10 से 12 दिन पहले ही मूवी के सेकंड ट्रेलर भी रिलीज कर दिया जाएगा। चलो सस्पेंस नहीं बनाते हैं, आने वाले 18 दिन बाद ही मतलब 23 अक्टूबर को सालार का फर्स्ट ट्रेलर आ जाना है। और देखो यहाँ पर एक जबरदस्त स्ट्रेटजी सेट करी है, और मैं कहूँगा ना यहाँ पर सीखा बहुत अच्छा है। देखो अगर आप एज सेलर काम कर रहे हैं, एज प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं, अगर आपको अपना कंटेंट मार्केट में बेचना है, पब्लिक के बीच में उसकी हाइप सेट करनी है, तो यस आपको सीखना पड़ेगा। और फिलहाल में ना जिससे कॉम्पिटिशन अगर आप करते हैं, अगर उसकी स्ट्रेटजी को अगर आप सीख जाएँ तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा कॉम्पिटिशन में उसको बीट करने के लिए। और यस प्रशांत नील उसी रोड मैप पे चल रहे हैं, उसी की तरफ चल रहे हैं। कैसे? देखो शाहरुख खान एज बिजनेसमैन, जिस बंदे ने क्या दिमाग लगाया, जब जवान मूवी रिलीज हुई थी टीजर निकाला, देन प्रीव्यू निकाला, देन ट्रेलर निकाला। आज तक कभी हमने दो ट्रेलर नहीं देखे, लेकिन बाय गॉड जब वो प्रीव्यू आया था, एक सॉलिड प्रमोशनल स्ट्रेटजी थी वहां पर शाहरुख खान की अपनी जवान को लेकर। और जब उन्होंने प्रीव्यू निकाला, हम सब जानते हैं उस प्रीव्यू को कितना ज़्यादा प्यार मिला है, बाय गॉड आग लगा दी थी। ट्रेंडिंग जो चल रही थी उसकी जबरदस्त नंबर की चल रही थी, और वहाँ से जो हाइप सेट हुई, वहाँ से जो एक रिव्यू मिला, रिएक्शन मिला शाहरुख खान को कि ऑडियंस कितना ज़्यादा पसंद कर रही है। और जब फाइनल ट्रेलर आया उसका, तो हम सब जानते हैं जवान को ऐसी सियोरिटी मिल गई थी हिट होने के लिए, क्योंकि जब प्रीव्यू निकाला था तो वहाँ पर एक 50% की ऑडियंस ने ये जिज्ञासा जाग गई थी यार कि मूवी में आखिर होने क्या वाला है। और जब फाइनल ट्रेलर आया तो बाय गॉड सबको सियोरिटी हो गई थी कि जो भी होने वाला है दमदार होने वाला है और मज़ा आएगा। और जब जवान चली है तो 4 से 5 दिन तक हमें थिएटर हाउस में जो खचाखच भीड़ देखने को मिली, ये इसका प्रूफ सेट करते हैं। वही चीज़ प्रशांत नील भी करना चाहते हैं सालार के साथ। पहला टीजर तो इन्होंने निकाल दिया है, अब ये प्रीव्यू टाइप में एक ट्रेलर और निकालना चाहते हैं जो 23 अक्टूबर को कंफर्म कर दिया ये डेट। बाय गॉड मैं कह रहा हूँ ये स्ट्रेटजी वेल मेंटेन्ड होगी, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर ना एक चीज़ पक्का क्लियर हो जाएगी, क्योंकि डंकी वर्सेस सालार जो वॉर होने वाली है, यहाँ पर एक चीज़ पक्का क्लियर ये हो जाने वाली है कि सालार को कितना प्यार मिलेगा। अगर 23 अक्टूबर को उसका हाई रिस्पॉन्स आ गया तो यस वहाँ पर हम देख सकते हैं कि सालार ज़बरदस्त वहाँ टक्कर दे पाएगी, क्योंकि शाहरुख खान के पास पहले ही सपोर्ट है पठान का और जवान का, और उनकी जो फॉर्म चल रही है सॉलिड फॉर्म चल रही है। लेकिन अब सालार अगर 23 अक्टूबर को ये ट्रेलर आएगा, डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ प्यार तो मिलने वाला है, लेकिन यहाँ से एक अनुमान ये लग जाएगा कि यार ये मूवी कितनी आँख फाड़ने वाली है। क्योंकि ब्लॉकबस्टर हिट जाएगी ही जाएगी, लेकिन किस लेवल की ब्लॉकबस्टर हिट जाएगी ये भी तो देखना बाकी है। क्योंकि 700 करोड़ में भी हम ब्लॉकबस्टर हिट बोल सकते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर 1200 करोड़ में पहुँच गई तब और ज़बरदस्त हाइप होगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, प्रशांत नील अपने ओपोनेंट को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं, और यस आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। आपके पास भले बाहुबली का प्रभास है जिसने पैन इंडिया में राज करा है, सिर्फ पैन इंडिया में नहीं पूरी इंडिया में राज किया है, पैन इंडिया से ऐसा बंदा उठ के आया, अंडरडॉग उठ के आया जो बाहुबली के बाद ऐसी आग लगाई है, बाय गॉड उसकी तरह मूवी देने वाला कोई है ही नहीं। मतलब 100 करोड़ फर्स्ट डे ओपनिंग करना इजी नंबर है, 1000 करोड़ लेकर आना इजी नंबर है, इवन आदि पुरुष जैसी घटिया मूवी से 350 या 400 करोड़ का कलेक्शन करना, ये प्रभास की फैन फॉलोइंग नहीं तो और क्या है, है ना। तो सालार में जब ऐसा कंटेंट मिलेगा, दूसरी तरफ केजीएफ यूनिवर्स का जो हमें सपोर्ट मिलने वाला है वो तो बूस्ट करेगा ही करेगा सालार को। साथ में प्रशांत नील अपने ओपोनेंट को इतना सीरियसली ले रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है भैया। अगर आपको अपने ओपोनेंट को बीट करना है तो उसे सीरियसली लेना ही पड़ेगा, उसे हल्के में नहीं लेना पड़ेगा, और खासकर ऐसे ओपोनेंट को जिसकी फॉर्म इस टाइम इतनी बेहतरीन चल रही है। अगर ये बंदा प्रमोशन ढंग से नहीं भी करता है ना, तो जवान और पठान का जो फीडबैक है, जो ब्रांडिंग सेट कर रखी है शाहरुख खान ने अपने नाम की डंकी मूवी के लिए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर ये एक भी टीजर लेके आते हैं। तब हाइप सेम रहने वाली है, डंकी का वेट सभी कर रहे हैं, इवन मैं भी कर रहा हूं, क्योंकि उसके साथ जो डायरेक्टर जुड़े ना, हमारे राजकुमार हिरानी का जो नाम जुड़ा है, ये और भी ज्यादा उस चीज को सुनहरा मस्त कर देता है। तो वही चीज़
अब प्रशांत नील बहुत ही अच्छे से सीरियसली ले रहे हैं, और यस हमारे जो है रॉकी भैया, इसका भी जो कैमियो देखने को मिलेगा, और यस प्रमोशनल स्ट्रेटजी में वो रॉकी भैया को घुसेड़ना चाह रहे हैं, मतलब सीधा सीधा केजीएफ यूनिवर्स को घुसेड़ना चाह रहे हैं। और केजीएफ यूनिवर्स की फैन फॉलोइंग कितनी है मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, जबरदस्त लेवल की। इसी के साथ सालार 23 अक्टूबर को क्या आग मचाने वाली है वो तो 23 अक्टूबर को पता चलेगा, लेकिन सेकंड ट्रेलर में आपको बताऊं तो 22 दिसंबर को मूवी रिलीज होनी है, तो उससे 10 से 12 दिन पहले ही ये ट्रेलर रिलीज कर देंगे, फाइनल ट्रेलर। तो बाकी देखते हैं 23 अक्टूबर को क्या आग मचने वाली है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, आप लोग कितने एक्साइटेड हैं, या फिर फर्स्ट ट्रेलर कह लो या फिर प्रीव्यू कह लो, जो भी है देखते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, आप लोग कितना एक्साइटेड हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी डंकी वर्सेस सालार, इसमें कौन विन होने वाला है ये भी आप लोग बता के जाना, कौन सी मूवी ज्यादा कमाई करके जाने वाली है, कौन एक्टर यहां पर किसको धोने वाला है, तो जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।